कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के आपत्तिजनक बयान को लेकर नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता थाने पहुंचे और भाजपा नेता पर कार्यवाही करने ज्ञापन सौंपा। भाजपा जनता पार्टी ने कोरेला के मिशन स्कूल मैदान में विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कांग्रेस की सरकार को बंटी बबली की सरकार कहा था। इस आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोरेले थाना पहुंचकर भाजपा नेता पवन साहू पर कार्यवाही करने की मांग की। आज गोरेला ब्लॉक में हुए कार्यक्रम जो मिशन स्कूल प्रांगण में हुआ है, तो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और महासचिव हमारी प्रियंका गांधी जी के खिलाफ में जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है, जिसमें पवन साहू जी ने जो भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक अपमानजनक टिप्पणी करी है और इससे हम सभी कांग्रेस जन आहत हैं और मैं सोचता हूं हम प्रत्येक हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के भी सभी कांग्रेस जन आहत हैं और हम लोग ने अपराध पंजीबद्ध करने की आज गोरेला थाने में मांग करी है और हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमको न्याय मिलेगा और इस मांग पर कार्रवाई होगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोरेला के द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू के खिलाफ, जिसमें पवन साहू जी के द्वारा श्रीमती प्रियंका गांधी एवं श्री राहुल गांधी के विरुद्ध कुछ अमर्यादित टिप्पणी करने के संबंध में आवेदन है। आवेदन पत्र अभी रिसीव किया गया है, इसमें जो कंटेंट है उसे प्राप्त करके फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।